gone. So what up guys, my name is Ezio Ayrton Rap and welcome to unboxing of Days Gone. Already तुम लोग ये पोस्टर तो देख चुके हो जो I think so मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा. ये जो लोकेशन है ये बहुत ज्यादा खाली खाली लग रही थी तो अभी ये लोकेशन भरने वाली है उसके साथ. और उससे भी पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑसम सारे वीडियोस के लिए. होपफुली तुम लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है वो हॉलो गेम के लिए. सो चेक दैट आउट, दैट विल बी ऑसम. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कार्ड्स में भी, दैट विल बी अमेजिंग. पर अभी फिलहाल के लिए बोलते हैं हम लोग डेज गॉन के बारे में. तुम लोगों को दिखा भी नहीं होगा डेज गॉन के बारे में. एक्चुअली लाइट बहुत ज्यादा अजीब अजीब तरीके से वर्क कर रहा है पर मैं तुम लोगों को अच्छे इमेजेस और क्लिक किए मैंने फोटोज जो तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो. उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कल से हम लोग खेलना चालू करेंगे डेज गॉन को. हर रोज आई थिंक सो मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा डेज गॉन का. और नॉर्मली जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो तो अपलोड होते ही रहेंगे. सो टाइम का अभी तक फिक्स नहीं है. आज एक्चुअली मैं अपलोड कर सकता था शाम को जब भी ये वीडियो आ रहा है पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ कि एवेंजर्स और ये एक साथ आ गया है तो उसकी वजह से मैं अभी जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तब मैं एक्चुअली एवेंजर्स देख रहा हूँ. तो तुम लोग मेरी इंस्टा स्टोरी देख सकते हो. अभी मेरा चार का शो है भी एवेंजर्स देख रहा हूँ. वाह मैन फ्यूचर इज़ यू. तो होपफुली हम लोग बहुत ही ज्यादा ऑसम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा कंडेंस और पूरी कॉमेडी के साथ. दिस वर्ल्ड कम्स फॉर यू या और इस दुनिया में हम लोग जाएंगे और पूरी तरह से मारधाड़ करेंगे. सो लेट्स अनबॉक्स दिस. नेलकटर इज गुड फॉर अनबॉक्सिंग. अजी सो ये बहुत ही ज्यादा अजीब वीडियो बनने वाला है जहाँ पे मैं बकबक कर रहा हूँ बस और ये खोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो खोलना नहीं चाहता बिल्कुल भी. कलेक्टेड एडिशन वाला चाहिए था पर दैट वाज सुपर एक्सपेंसिव. सो अपना बजट नहीं है बाबा उतना लेने का. सो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसी डे वन एडिशन के साथ जिसके ऊपर लिखा भी नहीं है डे वन एडिशन. मैंने प्री ऑर्डर किया है इस कॉपी को स्टिल उन्होंने यहाँ पे डे वन एडिशन वगैरह आई डोंट थिंक सो उन्होंने छापा ही नहीं है. इसके अंदर कुछ नहीं है इसके अंदर सीरियसली ये कुछ. ओह PSN ट्राई फॉर फ्री 14 डेज ट्रायल. ओके मुझे चाहिए. ओके कूल मैं नहीं दिखाने वाला तुम लोगों को. नहीं कोई नहीं देखेगा कोई नहीं देखेगा. ये ट्रायल मैं यूज करूंगा. इससे बेटर तो आई थिंक सो रेड डेड रिडेम्पशन का अनबॉक्सिंग था क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं. रेड डेड रिडेम्पशन में मैप था और बहुत सारी चीजें पर दिस इज लाइक अ सुपर बैड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस वेरी बैड. बट होपफुली गेम बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग होगा. रेड डेड रिडेम्पशन तो बिल्कुल भी तुम लोगों ने पसंद नहीं किया मेरे चैनल के ऊपर पर होपफुली. मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ यार पूरे हाथों से. लेट्स गो लेट्स बैक टू द मेन इवेंट. मैं अभी भागा भागा आया हूँ 12 बजे वो इवेंट का वो उसके भी फोटोज तुम लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम पे मैंने डाले ही होंगे और यहाँ पे अभी कार्ड्स पे भी तुम लोगों को मिलेंगे. और इवन मैं आजकल यूट्यूब स्टोरीज भी डालता हूँ तो चेक दैट आउट दैट विल बी अमेजिंग. अभी चिटकाओ क्या लेट्स डू दिस मैन. मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ इस गेम के लिए स्पेशली ये ओपन वर्ल्ड जॉम्बी सर्वाइवल गेम है तो हम लोग जॉम्बीज के साथ कुछ भी तमाशे कर सकते हैं. सो इसके बहुत ज्यादा फनी मॉन्टाज और फनी वीडियोस हम लोग बनाएंगे क्योंकि जॉम्बीज के साथ अजीबोगरीब चीजें करने का अलग ही मजा है. सो हम लोग बहुत ज्यादा मजे करेंगे इस गेम के साथ और इन सारे जॉम्बीज के साथ. अभी एक्चुअली बजे यहाँ पे 1:30 और मैं 1:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसको क्योंकि एक्चुअली मैं कल रिकॉर्ड कर सकता हूँ और अपलोड कर सकता हूँ इन केस. पर एक्चुअली हमारे यहाँ पे फ्राइडे को हर बार लाइट जाता है तो दैट्स व्हाई मैं फ्राइडे को रिकॉर्डिंग नहीं करने के लिए रखता कुछ भी क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं है. और ऐसा ना हो जाए कि मैं खेल रहा हूँ गेम और अचानक से लाइट चला जाए और मैंने खेला हुआ हिस्सा इज गॉन. सो दैट्स व्हाई मैं कल रिकॉर्डिंग करने का अवॉइड करता हूँ फ्राइडे को हर बार. दैट्स व्हाई मैंने फ्राइडे को ही एग्जैक्टली बुक किया था एवेंजर्स तो वो नहीं तो एक्चुअली एटलीस्ट मैं एवेंजर्स देखने की कोशिश करूंगा कल. तो होपफुली दैट विल बी नाइस और मैं ट्राई करूंगा. अगर एवेंजर्स का तुम लोगों को चाहिए कि मैं लाइक रिव्यू का वीडियो वगैरह बनाऊं सैटरडे को तो लेट मी नो दैट विल बी कूल. हम लोग जरूर बनाएंगे. मुझे भी लग रहा है कि लेट्स डू दिस. मैं इस बार फर्स्ट टाइम मुझे फर्स्ट डे को टिकट्स मिले. यहाँ पे टिकट्स मिलना बहुत ही ज्यादा पागलपंती है. लोग 800-800, 1200-1200 रुपए के टिकट्स निकाल रहे हैं पता नहीं क्यों. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यू गाइज आर अमेजिंग एज ऑलवेज. लव यू ऑल. Keep commenting. Let me know तुम लोगों के क्या opinions है इसके ऊपर. मुझे बहुत ही ज्यादा walk through करना चाहिए मतलब
यो लुक एट दिस दिस इज ज़ॉम्बी ओ यहां पे ज़ॉम्बी है हम लोग इसको मारेंगे डुशुम डुशुम या फिर ये कुत्ता यहां से कैसे आया और इस कुत्ते को हम लोग कैसे मारेंगे ऐसे काइंड ऑफ चीज तो तुम लोगों को कौन से वाला एक्सीलेटन रैप चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इट विल बी अमेजिंग आई थिंक सो सेकंड वाला इज गुड जहां पे मैं बहुत ही ज्यादा रेज करूंगा हर एक ज़ॉम्बी के ऊपर क्योंकि एक्चुअली ये एम वाला गेम है जिसमें हम लोगों को एम करना होता है और मेरा PS4 वाला एमिंग इज सुपर बैड सो बहुत ही ज्यादा रेज गेम होने वाला है ये ज़ॉम्बीज के साथ और सर्वाइवल गोइंग टू बी हार्ड सो लेट्स डू दिस बाइक तो अपने को आता नहीं है चलाने के लिए लाइसेंस तो है नहीं क्या होगा देखा जाएगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इज एक्सीलेटन रैप साइनिंग आउट पीस आउट गाइज बाय बाय लव यू ऑल एज ऑलवेज थैंक यू सो मच मैन लव यू ऑल